वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज दिन है रविवार और इधर हाँ, तो बस फाइनली हम लोग निकल रहे हैं उरई के लिए। और अभी टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे हैं और बहुत लेट हो गया सच में। रात में सो नहीं पाए थे, लेट सोए थे तो लेट ही उठे हैं, फिर देर तो होती जाती है। और अब चलते हैं, सब लोग नीचे आ गए हैं, सामान भर लेते हैं गाड़ी में। तुम यार मना करोगे ना, हट जाए। दुर्गा माया की जय। चलो भाई निकलते हैं नोएडा से। और अभी टाइम हो रहा, कितना टाइम हो रहा है रियान? और गाड़ी बिल्कुल फुल है, बिल्कुल जगह नहीं है। 9:30 बज गए ना, 9 मिनट पर 56। तो 9:30 बजे हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और देखते हैं हो रही कितने बजे पहुंचते हैं। तो पूरे लगते हैं 7-8 घंटे लगते हैं सच में। और गाड़ी पूरी भरी है, ऐसे ही जाना है, बैठ के पूरा सफर ऐसे ही करना है। तो चलिए भाई, जय माता दी बोल के निकलते हैं हो रही के लिए। और कल है बब्बा की त्रयोदशी। तो फाइनली अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं और हम लोग हैं मथुरा टोल निकल के। और जो एक्सप्रेस यमुना एक्सप्रेस पे से जो वृंदावन के लिए रास्ता गया है, यहाँ पे बढ़िया सा है स्टॉप है। और यहाँ पे हम लोगों ने अपना ब्रंच कर लिया है और खाना वाना खा लिया है। और ये बढ़िया सा दिया गया है यहाँ पे रेस्ट के लिए, दिया ब्रेक के लिए, लंच करने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए। और बस अभी बस बैठे हुए हैं, निकलेंगे थोड़ी देर में। तो थोड़ा सा अभी सब लोग खड़े हुए हैं, बातें बातें चल रही हैं और जानी तो बैठ के बस गेम खेल रहा है यहाँ पे, मस्त बैठ गया है झाड़ियों में। तो निकलने वाले हैं हम लोग बस थोड़ी देर में। फोन चलाने वाले फोन चला रहे हैं यहाँ पे, देखो सब बैठे और धूप है। अब तो इस तरफ आ गई धूप, धूप आ गई इस तरफ। मम्मी को दे दो। अरे हे, इस बार नहीं कह दिया हमने कि तुम जाओ, हम बने रहे हैं अकेले। छुट्टी है ना मंडी की? अरे ये नो छुट्टी तब भी नहीं कर, नहीं और स्कूल अपना नहीं कर रहा। सब बैठे हैं, तीन पीछे दो आगे बैठे हैं। यहाँ जानी है, ये मम्मी है, ये रियान है, ये मामा है, ये पापा है। चलते हैं भाई, निकलते हैं अभी, बहुत तेज धूप रखी है, बहुत ही ज्यादा। हाँ हाँ, मेरा हालत टूट गया, हालत खराब हो गया। हम लोग आ गए हैं यमुना एक्सप्रेस पे निकल गया है। और अब हम लोग आ गए हैं लखनऊ हाईवे पे आ गए। और वो देखो ना टाइम कितना हो रहा है रियान ने मेरी बात पहन ली है, बस बात। टाइम कितना हो रहा है? 2 घंटे लगेगी बस पे, तब जाके हम लोग और रियान पहुंचेंगे। 3 बजे से पहुंच जाएंगे। 2 घंटे चलते हैं इस पे हाईवे पे, ये लखनऊ वाला हाईवे। और सबको नींद आ रही है, ये देखो कहाँ बैठा है, देख के गाड़ी चली है उस जगह पे। सो जाओ, लेकिन चित्रकूट तक घर है, सफाई करने है घर पे, लगे ताले घर जाके सफाई करने है, अम्मी सो जाओ। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। तो इस बार मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ इस पे, वैसे तो औरैया होते हुए सीधे निकल जाते थे, औरैया जालौन फिर सीधा औरई, लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम हम लोग जा रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। देखिए जिसका उद्घाटन मोदी जी करने आए थे। और ये सीधा यहाँ कहाँ से गया है, आगरा से नहीं, इटावा से, इटावा से सीधा चित्रकूट के लिए गया है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। और देखिए कहाँ पे हैं हम लोग इस टाइम, इस टाइम हम लोग खड़े हैं
पे दिख रही है, ये नदी है, ये यमुना नदी है पीछे। और मतलब कितना तेज जा रहा है ये ट्रक, तेज जा रहा है। और सब लोग बस घूम रहे हैं, थोड़े से थक गए हैं बैठे बैठे, तो थोड़ा सा टहल लिया, पैर दर्द होने लगे, गाड़ी एकदम फुल है, तो थोड़े से टहल रहे हैं। और ये नदी है, यमुना नदी है ये, और यहाँ से सीधा हम लोग जाएंगे जालौन जाएंगे, इससे इस हाईवे से हम लोग सीधा जालौन जाएंगे, जालौन पे उतरेंगे और फिर जालौन से जाएंगे ओरई। और अभी ये खाली है बिल्कुल, कमी बाहर निकल रहे हैं ट्रक पर, अभी गाड़ियां तो कमी निकल रही हैं, बस ट्रक ही ट्रक निकल रहे हैं, जितने भी वहां निकल रहे हैं ट्रक वाले ही निकल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे खड़े हुए हैं, और ये है यमुना नदी, और ये सारी जो जगह दिख रही है ये सब है चंबल की घाटी है ये सब। और यहाँ पे पहले मूवियाँ बनती थी, शूटिंग वगैरह होती थी, जैसे सॉन्च रही है जैसी मूवियों की यहाँ पे शूटिंग हुई है, तो बढ़िया है। यहाँ पे पहले डाकू वगैरह बहुत रहते थे, तो वही चलते हैं। फाइनली हम लोग आ चुके हैं उरई, और अभी टाइम हो रहा है 4:30 बज रहे हैं, तो जल्दी आ गए, 4:30 बजे आ गए। चलो भाई चलते हैं, जो देखो लड़मुड़ा कैसे लग रहा है, पूरी रास्ता वर्क। हम लोग हो रही पहुंच गए हैं, और बहुत जल्दी पहुंच गए थे, फर्स्ट टाइम हम लोग बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से गए थे, तो बहुत जल्दी पहुंच गए थे, 1 घंटा पहले ही हम लोग हो रही पहुंच गए हैं। और ये हमारे गेट के बाहर देवी जी सजी हुई हैं, उनका पंडाल लगा हुआ है, और ये है हमारी दादी जो यहाँ पे बैठी हुई है। ऐसा करो माता जी, चलो चले। चलो भाई चलते हैं, आंटी जाना का कर रही, बॉल लगा रही। कदो बस, अच्छा पानी चाहिए होना, आरती क्या बजे हो? आरती 9 बजे। ए इतनी लेट? सुबह जात क्यों नहीं है? बताओ 9 बजे आओ। सही है, देखो माता रानी सजी हैं इधर। फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर, गांव आ गए हम लोग, और अभी टाइम हो रहा है, कितना बज गया यार, कितना बज गया? हम लोग पहुंच चुके हैं गांव, और बस इसी के साथ मैं अपनी इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।